तो अगर आप भी मेरी तरह काफ़ी सारे रिचार्जेबल सेल्स यूज़ करते हैं, डबल ए ट्रिपल ए, तो आपको भी एक चार्जर चाहिए होगा। चार्जर के लिए जैसे कि मैंने मंगवाया, ये एनवी का कॉपर बेस्ड चार्जर है, और इसमें आप चाहे तो डबल ए बैटरीज हो चाहे ट्रिपल ए बैटरीज हो, सारा कुछ चार्ज कर सकते हैं। अब ओवर द बॉक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑटो कट कर देते हैं, यानी कि जैसे आपका सेल चार्ज होगा ये इसको ऑटो कट कर देगा, और शॉर्ट सर्किट की भी इसमें प्रोटेक्शन यहाँ पर दी गई है। बैक में आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन और दी गई है, और जिसकी आउटपुट है वो अराउंड 6000 mAh है, यानी कि 6000 mAh तक के ये आराम से चार्ज कर देगा। प्लस यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फीचर्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने केबल भी दिया है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, और मुझे यहाँ पे एक जो चीज़ नज़र आई है इसमें कि इन्होंने अलग से एक चार्जर नहीं दिया, सिर्फ एक केबल दिया है। तो चार्जर आपको अपने फ़ोन का फिलहाल यूज़ करना होगा, या आपको लैपटॉप से, या फिर अगर आप मेरी तरह एक्सटेंशन यूज़ करते हैं यूएसबी वाली, वहाँ से आपको इसको कनेक्ट करना होगा। तो ये सारे फीचर्स हमें यहाँ देखने जाते हैं। यहाँ पे हमें नॉर्मल माइक्रो यूएसबी चार्जर देखने को मिल जाता है, और ऊपर इन्होंने तो दिया माइक्रो यूएसबी, पर ये वाला जो चार्जर है ये टाइप सी को भी सपोर्ट करता है और माइक्रो यूएसबी भी करता है। तो अगर आपके पास टाइप सी चार्जर अपने फ़ोन वाला, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इनपुट वोल्टेज मुझे 1.5 वोल्ट लग रही है, 2 एम्पीयर का दिख रहा है, तो नॉर्मल उससे भी चल जाएगा। हल्का है काफ़ी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और पीछे अगेन इन्होंने आउटपुट पावर्स लिखी हुई हैं। इसके साथ हमें एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल देखने को मिल जाती है, जिसमें ये इन्होंने बता रखा है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितनी देर आपको ये रख सकता है, और कितनी देर में ये चार्ज हो जाएगा। सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दी है कि इन्होंने दिया कि भाई ट्रिपल ए बैटरी अगर कैपेसिटी कितनी है तो कितनी कितनी देर में चार्ज कर देगा, सब इन्होंने यहाँ लिखा है। मैक्सिमम जो इन्होंने लिखा है 900 mAh की ट्रिपल ए की, वो 7.5 आवर्स में, और अगर आप 2800 mAh की अगर चार्ज करते हैं डबल ए बैटरी, तो वो 14 आवर्स लगाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ आ डे बस। और बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और यहाँ पे इन्होंने और कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई है बस, बाकी सब कुछ तो यहाँ नॉर्मल है। तो ऐसा चार्जर आप मंगवा सकते हैं, सस्ता भी अराउंड 300 के आसपास आपको पड़ जाएगा, और इजी टू यूज़ है, कुछ ऐसा कुछ ताम झाम नहीं है इसमें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।